नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता एकतास क्रिएशन से। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी ऑर्डिनरी फ़ोटो से हम इस तरह का कॉमिक बुक कार्टून इफ़ेक्ट कैसे बना सकते हैं। ये एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी सेलेना का फ़ोटो है जिसको हमने इस तरह का कार्टून इफ़ेक्ट दिया है। अब यहाँ पर 4 स्टेजेस में हम इसका वर्किंग करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हम ये जो फ़ोटो है इसको प्रॉपर डायमेंशंस में क्रॉप करेंगे, इस पर कुछ एडजस्टमेंट्स करके इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2, ये जो फ़ोटो है उस पर हम 3 फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। स्टेप 3, ये शेप और टेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। और स्टेप नंबर 4, लास्ट में एक फ्रेम बॉर्डर हम इस पर प्लेस करेंगे। देखते हैं स्टेप नंबर 1। लेयर्स पैनल मैंने ओपन किया और इस लॉक को एक बार क्लिक करके अनलॉक कर लिया। अब इमेज में जाके मैंने इमेज साइज़ इसका चेक किया, तो हमें जो हाइट है मिनिमम 1000 पिक्सल्स चाहिए, दैट्स गुड। और रिजोल्यूशन जो है ये हमें 100 से अबव चाहिए, कम से कम 150 होना चाहिए। तो मैंने इसका रिजोल्यूशन 150 किया क्योंकि हम इस पर कलर हाफ टोन इफ़ेक्ट देने वाले हैं, तो उसके लिए रिजोल्यूशन हाई चाहिए। ओके कर दे। और इसको मैं थोड़ा सा विड्थ इसकी क्रॉप कर लेती हूँ, तो मैंने सी दबाया क्रॉप टूल के लिए और यहाँ से इसकी विड्थ को मैं कम कर देती हूँ। ओके कर दिया। अब इस लेयर पैनल में जाके यहाँ पर इस लेयर पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये हमने सेलेक्ट किया। अब जो भी हम इस पे इफ़ेक्ट्स अप्लाई करेंगे वो नॉन डिस्ट्रक्टिव रहेंगे। यहाँ पर ये जो आइकॉन लग गया है इसका मतलब है ये स्मार्ट इमेज, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया है। अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब इस इमेज पे हम कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम फ़िल्टर गैलरी में गए और आर्टिस्टिक के अंदर पोस्टर एजेस ये फ़िल्टर हमने लिया। कंट्रोल 0 करें फिट ऑन स्क्रीन के लिए। अब यहाँ पोस्टर एजेस का मतलब होता है इमेज के अंदर जो भी कलर्स है उनको वो रिड्यूस करके उसको एक पोस्टर लुक वो देता है, तो आपकी इमेज पोस्टर जैसी दिखने लगती है। तो इसमें एज थिकनेस मैं 0 रखती हूँ, एज इंटेंसिटी मैंने 10 कर दिया और पोस्टराइजेशन ये मैंने 0 रखा। ऐसे ओके कर दे। आप अपनी इमेज के अनुसार ये सेटिंग्स अप्लाई करें। अब इसके बाद दूसरा, यहाँ पर ये फ़िल्टर गैलरी आ गया है, आप यदि इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर से ये फ़िल्टर गैलरी खुल जाएगा और आप इसके सेटिंग्स को कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी मुझे कम करनी है तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगी तो ये ओपेसिटी का पैनल यहाँ पे खुल गया। ओपेसिटी मैं रख देती हूँ 70%। ओके कर दिया। अब दूसरा फ़िल्टर हम इस पर अप्लाई करेंगे, फिर से फ़िल्टर गैलरी में जाके आर्टिस्टिक के अंदर कटआउट फ़िल्टर ये मैंने लिया। अब कटआउट का मतलब है कलर्ड पेपर पीसेस के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक इमेज बनाना, बच्चों के क्राफ्ट के प्रोजेक्ट की तरह। लेकिन हमारी इमेज में हमें किसी भी तरह का स्क्रैच नहीं चाहिए था, इसलिए हमने पहले पोस्टर एजेस ये फ़िल्टर अप्लाई किया और फिर कटआउट फ़िल्टर लिया। तो ये कटआउट में नंबर ऑफ लेवल्स मैं यहाँ पर 6 रखती हूँ, एज सिंप्लिसिटी 4, एज फिल्टरिटी 2 रखा मैंने। ओके कर दिया। ओके, इसका भी ओपेसिटी मैं यहाँ से डबल क्लिक करके कम कर देती हूँ, 70% रखा। ओके कर दिया। अब तीसरा फिल्टर हम अप्लाई करेंगे कलर हाफ टोन। पिक्सेलेट में जाके कलर हाफ टोन ये मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर मैक्सिमम रेडियस ये मैंने 6 किया। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, इनको मैं चेंज करती हूँ। सारे एंगल्स जो भी चैनल्स हैं उनको मैं 45 डिग्रीज में सेट करती हूँ। ओके कर दिया। तो ये कलर हाफ टोन इफ़ेक्ट यहाँ पर आ गया। फिर से ओपेसिटी बार में गए और इसका जो मोड है अब ये नॉर्मल से हम सॉफ्ट लाइट कर देंगे और इसकी ओपेसिटी 70% मैंने सेट कर दी। हम जूम करके देखेंगे तो इसकी स्किन पे इस तरह का ये हाफ टोन इफ़ेक्ट आ गया। ओके, अब ये इमेज का वर्किंग हमारा हो गया है। अब हमें स्टेप 3 की तरफ चलते हैं।
अब स्टेप थर्ड में हम यहाँ पर एक टेक्स्ट और शेप बनाएंगे। तो उसके लिए पहले न्यू लेयर मैंने कर लिया, यहाँ से मैंने शेप लिया रेक्टेंगल टूल के नीचे, यहाँ पर कस्टम शेप टूल होता है, और आप यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे शेप्स आपको दिखाई देंगे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो ये सेटिंग्स पैनल में जाएं और ऑल शेप्स पे क्लिक करें, तो ये आपको पूछेगा कि रिप्लेस करंट शेप्स विद द शेप्स फ्रॉम ऑल। अगर आप ओके कर देते हैं तो जो भी करंट शेप आपके इसमें है वो रिप्लेस हो जाएंगे ऑल शेप्स के साथ। और अपेंड करेंगे तो इसका मतलब ये सारे शेप्स रहने दो, इसके आगे और बाकी शेप्स डाल दो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने एक शेप लेती हूँ, थॉट टू नाम का ये एक शेप है, ये ऐसा बबल्स का थॉट टू इसका नाम है, ये मैंने सेलेक्ट किया। इसका स्ट्रोक मैंने फोर स्ट्रोक साइज फोर रखा, कलर ब्लैक वाइट, और यहाँ से मैंने ऐसे इसको ड्रॉ किया। ओके, अब इसके ऊपर मैं एक टेक्स्ट टाइप करूँगी। आप इसको मूव टूल के ज़रिए ऐसे हिला भी सकते हैं। इसमें मैंने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो मैंने रखा कॉमिक सेंस। ये भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कलर ब्लैक रखा, फॉन्ट साइज मैंने 36 लिया है। प्रेस करें। अब यहाँ पर इस टेक्स्ट के लेयर पे मैं दो बार क्लिक करूँगी तो लेयर स्टाइल ये पैनल यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पर लेयर स्टाइल में हम पहले स्ट्रोक अप्लाई करेंगे, वाइट कलर का स्ट्रोक मैंने दिया साइज 3 के साथ। अभी ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर हम इस पर ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे तो ये हमें दिखाई देगा। ब्लेंड मोड मैंने रखा है मल्टीप्लाई, ओपेसिटी मैं रखती हूँ अराउंड 40, और इसका जो एंगल है 106 रखा, डिस्टेंस 7 रखा, स्प्रेड 0 एंड साइज मैंने 1 कर दिया। इसको हम ओके कर देते हैं ऐसे। अब स्टेप 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। अब स्टेप 4 में यहाँ पर ये एक इमेज है, एक बैकग्राउंड इमेज, इसे भी है यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरे पाइंट्रेस्ट अकाउंट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने उठाकर यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दिया। कंट्रोल टी करें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, शिफ्ट ऑल्ट दबाते हुए इसको ट्रांसफॉर्म करें, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये जो भी वाइट पोर्शन है इसको हमें डिलीट करना है, तो यहाँ से मैजिक वैंड टूल हमने लिया, यहाँ पर क्लिक किया तो जो भी सेम पिक्सल्स है वाइट कलर के सेम पिक्सल्स उसने सेलेक्ट किए, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दिया तो वाइट पोर्शन डिलीट हो गया और नीचे जो इमेज है वो हमें दिखाई देने लगी। कंट्रोल डी करें डी सेलेक्ट करने के लिए, और ये जो ऊपर की लेयर है इसको मूव टूल से सिलेक्ट करके फिर से थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि नीचे की हमारी इमेज अच्छे से दिखाई दे। कंट्रोल जीरो करें फिट ऑन स्क्रीन के लिए। एंटर हिट किया, अब ये हमारी फाइनल इमेज यहाँ पर बन गई है। आप इसको शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट ई प्रेस करेंगे तो एक स्टैम्प विजिबल इमेज यहाँ पर बन जाएगी। चारों इमेजेस को मर्ज किए बगैर हम एक फाइनल लेयर यहाँ पर बना रहे हैं। इसके अलावा आप चाहो तो जब भी चाहो ये फिल्टर्स में आप चेंजेस कर सकते हो, इसलिए हमने इनको मर्ज नहीं किया है। बस इसको आप फाइल में जाके जेपीजी में सेव एज कर दें, यहाँ से जेपीजी ऑप्शन ले और इसको सेव कर दें। इसी तरह के और क्रिएटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एकता क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट stopandlearn.com पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। हमारे वीडियोस देख के आप जो भी क्रिएटिव वर्क घर पर बनाते हैं उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारी वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल पेज है, वहाँ पर आप अपना वर्क अपलोड कर सकते हैं।
और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।